हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग वन मोर टाइम रोपाई के ऊपर होने वाला है, बिकॉज ऑफ आज जा रहा हूँ मैं अपने मामा कोट। लोग कहते हैं मामा कोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटरनल होम्स, ठीक है जी। आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा कोट और वहाँ पर आज रोपाई होने वाली है गाइस। और आप देखते रहिए कि आज मैं भी रोपाई में हिस्सा लेने वाला हूँ और मजा आता है इस लाइफ में भी। गाइस ब्लॉग में बने रहिए, करता हूँ ब्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। सो गाइस आप देख सकते हैं मतलब खेतों में बहुत ही जोर शोर से काम चल रहा है। और मामा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। ये मेरे मामा जी बहुत ही मेहनती हैं और आप देखिए इनको मतलब बिल्कुल जी जान से लगे हैं खेतों में। तो मामा जी, जैसे मैं आपको ये पूछ रहा था, ये खेत में ये जो है ना, पहले पूरा पानी भरा जाता है ना? हाँ जी। पानी भरने के बाद इसमें हल लगाया जाता है, किसके लिए? मतलब मिट्टी को बिल्कुल गिरगिला बनाना पड़ता है। बस जी, मतलब इसमें कोई कंकड़ ना रह जाए, कंकड़ नहीं रह जाए, साफ करनी पड़ती है मिट्टी, साफ करनी पड़ती है। इसके बाद फिर जब गिलगिला मट्टी हो जाती है, हाँ जी, उसकी रोपाई होती है। अच्छा, फिर रोपाई होगी। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा धान लगाते हैं आप? मतलब एक तो चढ़ धान होता है, एक लाल कलर का होता है, ये कौन से, वो सफेद वाला है? लाल कलर का, लाल वाला है, चढ़ धान बोलते हैं। धान बोलते हैं। इसका तो खाने में भी टेस्टी होता है, बल बहुत है ना। हाँ, बहुत बढ़िया है मामा, मजा आ गया मतलब। तो अभी देखते हैं, इधर आप देख सकते हैं मतलब। प्रणाम प्रणाम मामा, ठीक है। ये मेरे भांजे हैं और बहुत ही मेहनत लगती है इस सब चीज में। बाकी आप देख सकते हैं कि पानी से अभी थोड़ी देर में भरने वाला है पूरा खेत। और पूरे गांव वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, आज संडे का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अनिल भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है? विनील भाई जी की जय हो। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं मामा कोट आया हूँ, तो मेरे भैया लोग हैं और रोपाई हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं इधर सीढ़ीदार खेत होते हैं। मेरा भांजा आगे आगे चल रहा है, ये तो बेचारा नंगे पाँव है, मैं जूते पहन के आ रहा हूँ, ये तो पानी में आराम से चल रहा, लेकिन मेरे को काफ़ी टफ लग रहा है चलने में। तो गाइस अभी हम खेत के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, थोड़ा खेतों के नीचे साइड जा रहा हूँ अभी। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे, यहाँ खेतों में बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, आजकल रोपाई का सीज़न है। और हम यहाँ से नीचे उतरता हूँ, पहले बहुत ही संकरे रास्ते हैं। सो गाइस, अभी आपको पूरा ब्लॉग डिटेल में दिखाता हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादी। और ये इधर है हमारे मंजीरी गांव के एक से एक कांटे का, ये देखिए आप, और इतनी मेहनती है और खेत में ऐसी कपड़े पहन के तो आएंगे। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार आपको भी। और आप देख सकते हैं आजकल डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां,
सुनाए हैं मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, आजकल ना रुपाई चल रही है, आप देख सकते हैं मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ में स्क्रैच हो गए है ना, आपकी मिट्टी से लथपथ होना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ पहले, आप रुपये तो आपने निपटा दी, अब इसके बाद इस खेत की बारी है ना, तो एक हल क्यों लगाया जा रहा है? मिट्टी बारीक की जाती है, फिर उसके अंदर जितने भी पत्थर कंकड़ ये क्या के बोलते हैं ना, तिल के वगैरह जो भी है, मिट्टी साफ की जाती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कौन सा धान है, लाल है सफेद है? लाल, लाल वाला, इसको चढ़ धान भी बोलते हैं ना, चढ़ धान अलग होता है। हाँ जो शेरा रोको, ये क्या है फिर, कौन सी जगह? ये लाल होता है, क्या क्या फायदा है इसके खाने से? कुछ फायदा नहीं मिला था, रोको हम तो ज्यादा इसमें प्रोटीन ज्यादा होता होगा है ना, वसा की मात्रा इसमें ज्यादा। हाँ एक सबसे बड़ा कारण इसका क्या है कि जो ये ज्यादा मात्रा में होता है ना, मतलब जिसमें एक बोरी पड़ेगी इसमें दो बोरी पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में होता है, ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसमें कितना टाइम लगता है इसकी फसल बनने में, कितना टाइम लग जाता है इसका, मतलब ना निकल जाएगा आज लगा दिया है? अक्टूबर चार महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है, इसके फुकड़े बनते हैं, चूड़ा चूड़ा इसी बनते हैं। हाँ तो गाय चूड़ा सबसे फेवरेट है मेरा खाने में, और दो लड़के इधर पे इधर आ जाते हैं पर बहुत अच्छा लगता है। पहले हम बताएंगे इसका नाम रानी है और ये दिखने में भी रानी है, ठीक है जी। और आजकल आप भी खेत में आ रखे हो, कैसा लग रहा है, मतलब हर टाइम आप पढ़ाई करते हो, अभी आप अपने मतलब बिजी रहते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, आज आप मतलब फार्मिंग कर रहे हो किसानी वाली लाइफ, कैसा मतलब मजा आता है? बहुत मजा आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, धान जो एक बार लग गया पूरे साल भर चावल तो नहीं खाना है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नीचे देखा जाए तो नीचे साइड में नीचे क्या होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, ट्रैक्टर से जोताई होती है, लेकिन वहाँ हाथ से रुपये नहीं हो सकते, कर दो बग्ञान देखिएगा इस, मतलब क्रेडिट सारा आपको मिल रहा है अभी यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब अपने गढ़वाली लैंग्वेज में अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आपका कहना है कि मतलब ये जो हम धान लगाते हैं यहाँ पर, ये केवल अपने लिए है कि हम मतलब ये खाते हैं, लेकिन ये कितने दिन चलता है, छः महीना साल भर? छः महीना, लेकिन ज़्यादातर, हाँ ज़्यादातर अनाज जो भी हमारा क्या डेली यूज का प्रोडक्ट है सारे नीचे से हम यूज़ करते हैं, नीचे भी बहुत भारी मात्रा में खेती होती है। बहुत अच्छा लगता है गाइस अगर आप गांव में आते हो और ऐसे मतलब अपने से बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठते हो, वैसे बुजुर्ग नहीं बहुत अंत तक यूजफुल है, आप देख सकते हैं कहीं से बुजुर्ग नहीं लग रहे, लग रहे हैं नहीं लग रहे ना, मतलब गांव की जो भी महिलाएं होती हैं वो इतनी फिट रहती हैं, क्योंकि दिन रात काम करना होता है, आपको देख के मतलब आपको लगता है कहीं से कि मतलब ये गाँव में रहते हो के जब आते हैं ना झाड़ूला लगा के, अभी आपको मंजेली का मेला भी दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं इन्हीं महिलाओं से मिलाऊंगा, फिर आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि ये वही थे खेत में काम कर रहे थे, मतलब इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि मतलब कोई जवाब नहीं है।
है कि नहीं गाइस। तो अभी मैं खेत का और दिखाता हूँ आपको, मेरा ही मन था रुपाई करने का, लेकिन वजन इतना ज्यादा है कि गड्ढे हो जाएंगे, इसलिए मैं कर देता हूँ। चंदेलो, अरे कितने सुस्ती बोल रहे यार भाई जी आपके, यार आगे नहीं बढ़ रहे। इधर लगे हैं लोग खांतरा ना अबल बीड़ी भयंकर जींस ले आओ बीड़ी के तब बनाओ नु अब थोड़ी देर मिट्टी की लड़ाई होगी। महिला शक्ति और यहाँ पर क्या है कि बिजार चल रहा है अभी बीज निकाले जा दी रहे उसने बस आपको मिलने आए थे इधर। ये देखिए घर के काम करने में कैसी शर्म है। तो मेन चीज ये है कि ये काम हर किसी का बस का भी नहीं है। हाँ दी ये मेरी दीदी है, बहुत ही ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं, और घर के काम काज में नंबर वन है सब। तो अच्छा बिजार निकाल रहे हैं आप आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो ये भांजे राम पानी लेने गए थे, आइए जरा पानी पिलाइए। इसमें लाए ठंडा पानी, ओए होए होए बहुत ठंडा यार। गाइस गांव में काम करने के बाद जब खेत में खाना खाते हैं ना, क्या बोलते हैं दोपहरी दोपहर की दोपहरी तो हुई इसमें क्या टेस्ट आता है खाने में, मतलब मैं आपको बताऊंगी। मट्ठा भी है, मट्ठा घर का खाना अब दोपहर में
खेत में काम करने के बाद जो खाने का आनंद है भूख भी लगी रहती है, तो साथ में क्या है घर का टेस्टी खाना आए हाय आसमान के नीचे पेड़ के नीचे बैठ कर सब्जी ने बनाया क्या बहुत टेस्ट है भाभी आपके हाथ में बाई बार अब तो होटल खोलने के बारे आगे ना जल्दबाजी में आता है जल्दबाजी में इतना टेस्ट है तो फिर वह कैसे होगा देखो आप अगर टाइम दे के बनाएंगे रूल तो बहुत फर्स्ट क्लास आप लोग अपने आ गया कब सुबह